हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सिकंदर मंसूरी, आप देख रहे हैं सिकंदर टैक फॉर यू। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं आप यूपी का पेंशन कैसे चेक कर सकते हो सिंपल और आसान तरीके से, चाहे वो कोई सा भी पेंशन हो, चाहे विधवा पेंशन हो, ओल्ड एज पेंशन हो, कोई भी पेंशन हो, स्टेप बाय स्टेप आपको बताने वाला हूं। दोस्तों, यूपी का पेंशन चेक करने के लिए सबसे पहले करना क्या है, सबसे पहले आपको आपके फोन की स्क्रीन पे आना है और किसी भी क्रोम ब्राउजर या गूगल में आना है। गूगल में आने के बाद आपको यहाँ पे क्या सर्च करना है, यूपी पेंशन। हम यहाँ पे लिखेंगे यूपी पेंशन। जैसे सर्च करोगे तो यहाँ पे पहली वाली वेबसाइट आएगी, यूपी पेंशन स्कीम, आपको इसी पे क्लिक कर देना है। तो चलिए हम इस पे क्लिक कर देते हैं। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा, इस तरीके का पेज आपको दिखेगा और यहीं पे आपको सारी स्कीमें देखने को मिलेगी, सारी पेंशन देखने को मिलेगी। पेंशन नंबर 1, 2, 3 आपको सेलेक्ट कर लेना है, आपको कौन सी पेंशन चेक करनी है। मान लीजिए मेरे को यहाँ पे दिव्यांग पेंशन चेक करनी है, या वृद्धावस्था पेंशन चेक करनी है, या निरक्षित महिला पेंशन चेक करनी है। आपको जो भी पेंशन चेक करना है उस पर क्लिक कर दो। मान लीजिए मेरे को ये पेंशन चेक करनी है, दिव्यांग पेंशन, तो यहाँ पे नीचे देखने को मिल जाता है योजना के विषय में लिखा हुआ है, तो आपको योजना के विषय वाला जो ऑप्शन है उस पर क्लिक कर देना है। तो हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे एकीकृत पेंशन पोर्टल। हाँ, तो उसके बाद आपको करना क्या है, उसके बाद आपको आना है यहाँ पे नीचे। जैसे आप नीचे आएंगे यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा पेंशन सूची। तो पेंशन सूची में यहाँ पे लिखा हुआ है 2023-2024, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे जो 2023 और 2024 लिखा है उस पर क्लिक कर देना है। हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे उसके ऊपर। जैसे आप क्लिक कर दोगे तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें देखने को मिलेगी। यहाँ पे आ जाएंगे जनपद, आप कहाँ रहते हो, आगरा में रहते हो, अयोध्या में रहते हो, अहमदनगर में रहते हो, बिजनौर में रहते हो। आपको यहाँ पे लिस्ट, जो लंबी चौड़ी लिस्ट है, आपको चेक कर लेना है आप कहाँ रहते हो। ठीक है, तो मान लीजिए आप रहते हो आगरा में, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आगरा दिख रहा है तो आगरा पे यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। तो हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे आगरा पे। जैसे क्लिक करोगे तो आगरा के अंदर यहाँ पे कौन सा खंड आता है, आपको यहाँ पे अपना विकास खंड चूज कर लेना है। तो हम यहाँ पे अपना खंड सेलेक्ट कर लेते हैं फटाफट। देखिए हमारा खंड ये आता है, ठीक है, अकोला। तो हम यहाँ पे अकोला पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही अकोला पे क्लिक करोगे, अब खंड के अंदर कितने भी पंचायत आती है, ग्राम पंचायत, आपको यहाँ पे ग्राम पंचायत अपनी सेलेक्ट कर लेना है। पूरी लिस्ट है देखो यहाँ पे लंबी चौड़ी, तो आपको स्टेप बाय स्टेप आपको अपनी ग्राम पंचायत यहाँ पे देखनी है। ग्राम पंचायत देखने के बाद जो ग्राम पंचायत आपको, ग्राम पंचायत पे आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। हम यहाँ पे ग्राम पंचायत पे क्लिक कर देते हैं। जैसे ही आप ग्राम पंचायत पे क्लिक करोगे तो आपको कुछ इस तरीके का देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आपको कुल पेंशन, यहाँ पे कुछ नंबर देखने को मिलेंगे, कुल पेंशन ये वाले, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है 11। तो इस ग्राम पंचायत के अंदर यहाँ पे 11 लोगों को पेंशन मिलती है और यह 11 लोगों के नाम है यहाँ पे लिस्ट में। ये देखिए यहाँ पे 11 लोगों के नाम देखने को मिल गए, रजिस्ट्रेशन नंबर देखने को मिल रहा है आपको यहाँ पे, उनके पिता का नाम देखने को मिल रहा है यहाँ पे, महिला है पुरुष है देखने को मिल रहा है, उनकी आयु क्या है, ठीक है, मोबाइल नंबर क्या है, पेंशन खाता का डिटेल्स देखने को मिल जाती है, और यहाँ पे आपको कौन से बैंक में अकाउंट है ये देखने को मिल रहा है, और लास्ट में देखने को मिलेगा रिलीज, यानी पेंशन उनकी रिलीज हो चुकी है, उनके अकाउंट में जा चुकी है। आपको अपना अकाउंट चेक कर लेना चाहिए, यानी जो आपका बैंक खाता है जिससे आपने लिंक किया है पेंशन से, उसका स्टेटमेंट चेक करवाइए, हो सकता है आपके अकाउंट में पैसा आ गया होगा। तो आप इतने सिंपल और आसान तरीके से आप यूपी का कोई भी पेंशन चेक कर सकते हो। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।